सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्त खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी एक्टिव होंगे। तो दोस्तों, मैं 2 दिन से अपने एवरी की तरफ बिल्कुल आया ही नहीं हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि क्या हुआ है। यहाँ पर भी सारा घर किया हुआ है, जाली वगैरह भी सारा तोड़ दिया है। हमारे चकोर पता नहीं क्यों परेशान है, दिखाई दे रहे हैं। वो देखो, वो जगह भी सारा गिरा दिया है। उसके बाद यहाँ पर मटके वगैरह सारे तोड़े हुए, टूटे हुए रे कबूतर वगैरह सारे इधर उधर हो गए, पता नहीं क्या वजह हुआ है। जब मैंने घर में हल अहवाल किया कि ये क्या मसला है, तो घर वाले कहने लगे कि ये जो आपने मुर्गा लेके आया हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो मुर्गा आपने लेके आया है, ये मुर्गा जो है ना, ये सारा जगह फाड़ दिया है इन्होंने, जिसकी वजह से ये जो हमारे टर्की बर्ड्स वगैरह है उसी के साथ लड़ गए थे, और टर्की बर्ड्स का खून वगैरह भी निकला हुआ था। पता नहीं किस हालात में था वो बेचारा, भी बहुत गर्क किया हुआ था। और उसके बाद सुबह जैसे मैं आया, इसको मैंने इधर ही बंद किया, मैंने सोचा इसको यहीं से कभी भी नहीं निकालेंगे, इधर ही रह गए। और उसके बाद खैर वो जो होना था वो तो हो गया, अभी आगे अल्लाह खैर करे। यहाँ पर हमारा जो डायमंड डव है वो माशाल्लाह एक्टिव है, और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे स्टेडियम पे रोड उस मटकी में मेरे ख्याल में किसी बर्ड्स वगैरह ने अंडा भी दिया हुआ है। मुझे ऐसा थोड़ा सा अंदाज़ा है कि उसमें बर्ड्स वगैरह ने अंडा दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारे जो फिंचेस ने अंडे दिए हुए थे, उन्होंने अभी तक बच्चे नहीं निकाले, क्योंकि कुछ दिन हो रहे हैं जिसकी वजह से। और हमारा ये मुर्गी पता नहीं आज दूसरा तीसरा दिन है किधर अंडा दे रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। और उसके बाद जो है ना, इस फीमेल के लिए भी मैंने कोई मेल का बंदोबस्त नहीं किया है, क्योंकि मैं इधर ही था ही नहीं, इस वजह से मैंने इसके लिए बंदोबस्त नहीं किया है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में नहीं, इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं कोशिश करूँगा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं इनके लिए एक मेल का बंदोबस्त करूँगा, और ये सेटअप वापस फुल खूबसूरत तरीके से बनाऊँगा। ऊपर भी इंशाल्लाह बर्ड रखूँगा, उस सेट पे भी बर्ड रखूँगा, और इस जगह पर वो सही वाला जाली लेके आऊँगा ताकि ये खूबसूरत दिखे। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो एक पेयर था, अब उसको देखता हूँ कि उसी ने बच्चे निकाले हुए कि नहीं निकाले। अभी तक अंडे पड़े हुए, और माशाल्लाह से दोनों ही अंडे फर्टाइल दिख रहे हैं मुझे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द ये बच्चे भी निकालेंगे। और यहाँ पर वो जो दूसरा यार रखा हुआ था, उसी ने भी इंशाल्लाह से आज या कल ज़रूर वो भी अंडा दे देगा। फिलहाल तो कुछ कोई अंडा वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्द अंडा वगैरह दे देगा। और यहाँ पर हमारा जो ब्लैक वाली मुर्गी है वो भी अंदर आ गई है, और कबूतर भी माशाल्लाह खूबसूरत दिख रहे हैं। हमारा खरगोश पता नहीं किधर गया हुआ है, एक मिनट में खरगोश देख लेता हूँ। इसके पीछे मैं उधर एवरी में ढूंढ रहा हूँ, और ये जालिम का बच्चा इधर आया हुआ है, काफ़ी डरा दिया, मैंने सोचा ये भी गायब हुआ है। तो और इस बेचारे को ऐसा ख़तरनाक मारा हुआ है, बहुत ही लागर भी हो गया है, और इंशाल्लाह अभी तो सीज़न भी है इन लोगों का, इंशाल्लाह ये का कुछ दिनों में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये दोनों ब्रीड भी कर लेंगे। और हमारा जो गया है, एक वीडियो में हमने आपको कहा था कि ये लेके जाएगा, इसको नहीं रखेंगे, फिर वापस इसका जो इरादा था वो बदल हो गया है। और माशाल्लाह से ये काफ़ी खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरह दूध दे रहे हैं। और ये बकरियों से मैं इतना ज़्यादा तंग हूँ दोस्तों, कि जैसे जब भी मैं अपने परिंदों के लिए रोटी वगैरह लेके आता हूँ, ये जालिम के बच्चे आ जाते हैं और अपना पेट भर लेते। अब इसमें मैंने इनके लिए रोटी रखा था, ये को सारा अड़प लिया है इन लोगों ने। और ये गरीब जो है ना,
अपने फीमेल के इंतज़ार इंतज़ार में एक दिन यह बीमार जाएगा, क्योंकि इसका और इसके फीमेल का मेरे ख्याल में दोस्ती अच्छी नहीं है, और अच्छी तरह दोस्त नहीं है ये एक दूसरे के, क्योंकि ये इधर घूमता है और इसके जो फीमेल है वो उधर घूमता है। और माशाल्लाह से मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि इंशाल्लाह हमारा जो ये फीमेल है वो जो ऊपर बैठी हुई है, इंशाल्लाह ये कुछ दिनों में ज़रूर ब्रीड कर लेगी। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों, जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाया करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और दुआओं में याद रखना दोस्तों। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़। और हमारा मुर्गा पता नहीं क्या हुआ है, बस मस्ती मस्ती में घूम रहा है। तो खुदा हाफिज़ दोस्तों।